इसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, जातिवाद, वंशवाद, इसकी जनक कांग्रेस पार्टी है। देखिए, कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल खेला है। आज उनके सारी चीज़ें सतह पर आने लग गई हैं। ईडी संवैधानिक संस्था है, उसका मान करना चाहिए। पार्टी खेमों में बटी हुई है, क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उन्होंने ही पीसीसी के चीफ के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। उनका सोचना है, उनको लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी का तरीका अलग है। ऐसा इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, जातिवाद, वंशवाद, इसकी जनक कांग्रेस पार्टी है। कि आप मनमोहन सिंह सरकार के इंडेक्स को देखेंगे और इस सरकार के इंडेक्स को देखेंगे, वाजपेयी साहब के इंडेक्स को देखेंगे, तो अपने आप तुलना समझ में आ जाएगी। सर, ईडी के लगातार छापेमारी हो रही है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है इसको लेकर। देखिए, कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल खेला है। आज उनके सारी चीज़ें सतह पर आने लग गई हैं। ईडी संवैधानिक संस्था है, उसका मान करना चाहिए, बजाय उसके कोई सियासी पाखंड के। नहीं, बात की जावे तो अभी राजस्थान भी बीजेपी दो खेमों में बटी हुई है, धौलपुर में भी बात की जावे बीजेपी दो खेमों में बटी हुई है। क्या कारण है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है, क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उन्होंने ही पीसीसी के चीफ के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है, संसदीय दल के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसलिए हमारे यहाँ गुटबंदी को लेके गॉसिप हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं है। नहीं, बात की जावे, आप धौलपुर में आए हैं, आप तो यहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तकलीफ का समय है, ये विश्लेषण करने का समय नहीं है कौन कहाँ मिलता है, लेकिन अभी सभी कार्यकर्ता हैं। मंत्री बिशन सिंह ने आज आरोप लगाया कि 550 दिन बाद आप बीजेपी तक ध्यान आइए। उनका सोचना है, उनको लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी का तरीका अलग है। हमने साधुओं की, संतों के मान के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको लड़ते रहेंगे। उन्होंने बताया मौत का जिम्मेदार भाजपा का, उन्होंने 9 महीने में कह दिया, उन्होंने 5 साल में नहीं किया है। उनका मानना है, लेकिन इस समस्या का समाधान 551 दिन में कांग्रेस की सरकार थी, उनको करना चाहिए था।